खूनी रोड नाम से मशहूर नेशनल हाईवे NH 248A ना जाने अब तक कितने घरों का काल बनकर आया है, ना जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है। एक ऐसे ही हंसते खेलते परिवार चालक की लापरवाही के चलते बिखर गया है, बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार NH 248A दिल्ली अलवर रोड पर दिलशाद अपनी पत्नी रुक्सीना व दो बच्चों 3 साल के अरहम व 4 महीने के अरस को लेकर गांव रूपडाका से फिरोजपुर झिरका अपने बेटे अरहम को दवाई दिलाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गए थे। जब परिवार दिलशाद फिरोजपुर झिरका थाने के गांव नसीरबांस के नजदीक सलामी मदरसे के पास पहुंचे तो बड़कली की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही एक बोलेरो गाड़ी चालक ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दिलशाद, उसकी पत्नी व दोनों बच्चे मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए। बोलेरो गाड़ी चालक ने यहां भी रहम नहीं खाया बल्कि उनके गिरने के बाद गाड़ी परिवार के ऊपर चढ़ा दी। दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं अरहम का हाथ टूट गया। ये 10:30 बजे का वाक्य है। इस पे दिलशाद सनोफ याकूब गांव रूपडाका और उसकी पत्नी रुक्सीना व दो बच्चे रूपडाका से फिरोजपुर झिरका दवाई लेने के लिए आए हुए थे। उस टाइम के ऊपर वो जो रावली पब्लिक स्कूल के पास नज़दीक पहुंचे इस्लामा वो मदरसा के पास, तो पीछे से एक बलोरो गाड़ी आई, गफलत लापरवाही से चलाता हुआ उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ये मौके पर इनकी मौत होगी। बलोरो गाड़ी वहीं पलट गई, ड्राइवर मौके से भाग गया। तो सर जो बच्चे हैं बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों को भी कुछ चोटें आई। हाँ, बच्चों को चोटें आई, वो हॉस्पिटल में लेके आए थे उनको। एक जो बड़े वाला जो लड़का है उसके सीटी स्कैन है, एक हाथ में फ्रैक्चर है थोड़ा सा। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अमल में लाई? पोस्टमार्टम कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया है और गाड़ी थाने में खड़ी कर दी है, ड्राइवर की तलाश जारी। जांच अधिकारी भूपेंद्र के मुताबिक अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। नूहू से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।